हाय गाइस एंड अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल. और अभी जो है ना मैं डायरेक्टली आती हूँ मेन चीज़ पे कि मैं क्या करने जा रही हूँ. मैंने पहले का काम छोड़ रखा है तो उसी को आज फाइनल कंप्लीट करने जा रही हूँ. तो बीच की भी मेरे पास सारी वीडियोज़ है, मैं वो ऐड कर देने वाली हूँ. तो मैं जा रही हूँ अलमीरा का डेकोर करने, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था या फिर मुझे करने का मन था. वो मैं आपको बीच में बता दूंगी कि क्या करना था क्या नहीं करना था. तो लेट्स गो एंड डू दैट. तो मैं चलती हूँ अंदर और अंदर जाके जो मेरा बचा हुआ काम है मैं उसको कंप्लीट करती हूँ. एंड लेट्स सी एंड होप कि जो मैंने छोड़ा था पेंडिंग काम वो अच्छा निकल के आए. वैसे अच्छा ही निकल के आएगा बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि मैंने 90% तो काम कर ही दिया, मुझे 10% करना है बस खाली. तो ये थी वो अलमीरा जिसका मैं डेकोर या फिर बोल सकते हैं मेकओवर करने जा रही थी. एक्चुअली ये मेरी सासू माँ की बहुत पुरानी अलमीरा है, 15-18 ईयर्स ओल्ड अलमीरा है. और वो नहीं चाहती थी कि इसको हम किसी को दें. शी वॉज लाइक अगर मैं नई भी लूँगी तो मैं पुरानी घर पर ही रखूँगी. तो मैंने सोचा क्यों ना डेकोर करना फिर इसका स्टार्ट किया जाए. तो मैंने सबसे पहले इसको कपड़े पहनाना चालू करे क्योंकि इसके कपड़े जो थे वो पुराने हो गए थे. तो मैंने इसको न्यू कलर दिया बिकॉज वही होता है ना कि यार पुराने कलर से इंसान फेड अप हो जाता है. तो मैंने इसको ब्राउन टोन दिया बिकॉज मम्मी के कमरे में सब चीज़ें ज़्यादातर ब्राउन कलर की थी, टाइल से लेके बेड से लेके हर एक चीज़. तो यहाँ पे मैंने इसको नए कपड़े जैसे ही पहनाए तो मुझे ये समझ में तो आ गया था कि मैं थोड़ा थोड़ा काम सही कर रही हूँ. मेरा ब्रश सही चल रहा था, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड, बहुत प्यार से ये हो गया. 120 रुपये का मैं पूरा का पूरा पेंट का डब्बा लेके आई थी एंड आई थिंक आधा डब्बा भी नहीं ख़त्म हुआ और आराम से मेरा पूरा पेंट हो गया. तो बस आपको ये करना है कि देखो ब्रश को आपको एक लाइन में चलाना है, मतलब लाइक अपोजिट डायरेक्शन नहीं क्रिएट करनी है, एक डायरेक्शन में चलाना है, सेम डायरेक्शन में. तो ये जो है यहाँ पे मैं आपको पीछे दिख रहा होगा ये पूरा पेंट हो गया अलमीरा ये है. एंड मैंने उसे मिलता जुलता एक वॉलपेपर जो है वो पहले ऑर्डर कर दिया था जब मैंने पेंट लिया था. तो वॉलपेपर का कलर और पेंट का कलर अगर सिमिलर टू हो तो वो ज़्यादा अच्छा है. और यहाँ पे फिर मैंने अपने पीसेस कट कर दिए थे जो भी मुझे चाहिए थे जिस अकॉर्डिंग मुझे अपना लगाना था. वैसे शीशा रखो, मेरी भी फोटो आ रही है उसमें. अब नहीं आ रही ऐसे ऐसे कैसे आएगी. तो मैंने सीधा ले लिया, अभी जाते हैं जल्दी इसको फिट करते हैं. चलो बारिश हो रही है फिर भी मैं आई. देखो यहाँ पे नया सीसा है और ये ओल्ड सीसा हमने निकाल दिया उसमें से. मैंने निकाला है, हाँ हैप्पी ने निकाला है, ये इसके अंदर से निकाला है, यहाँ पे से निकाला है. तो ये ओल्ड था, इसमें बहुत सारे मतलब दाग वाग थे, अब ये नया है, अब इसको जाने फिट करने. तो यहाँ पे हैप्पी वॉज लाइक कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम कर नहीं पाओगी, हाथ वाथ कट जाएगा. मैंने कहा हाँ ये तो है. तो फिर यहाँ पे उन्होंने मेरी हेल्प करी इस शीशे को फिट करने में क्योंकि यार डर लगता है ना, मुझे लगा कहीं टूट वूट ना जाए. फिर हम लोगों ने बहुत इजीली शीशा मतलब लाइक फ़िट कर दिया था. तो शीशा फ़िट करने का मेन रीज़न ये था क्योंकि जो पुराना शीशा था वो 15-16 ईयर ओल्ड था. और देखो कितनी खुशी मुझे यहाँ पे हो रही है, वो जस्ट सेइंग कि देखो यार मैंने देखो सही नाप लिया है. तो यहाँ पे जो शीशा चेंज करने का मेन रीज़न था वो ये था क्योंकि जो शीशा था वो बहुत पुराना था और उसमें बहुत सारे ऐसे मार्क हो गए थे जो कोई भी सफाई करने वाले स्प्रे से साफ नहीं हो रहे थे. तो यहाँ पे मैंने हैंडल वेंडल सब देख सकते हो आप अलमीरा का निकलवा दिया था. और उसके बाद मैं इसको प्यार से पेस्ट कर रही थी. मैंने अंदर का सामान कुछ भी नहीं निकाला अलमीरा से क्योंकि अंदर से मुझे कोई मतलब ही नहीं था. अंदर बिल्कुल सॉर्टेड था, अंदर पेंट भी सही था, सब कुछ अच्छा था, बस बाहर बाहर से दिक्कत हो रही थी. तो मैंने क्या किया फिर उसके बाद आराम से अपना वॉलपेपर जो मैंने कट करे थे अलग अलग पीसेस में उसको पेस्ट करना स्टार्ट किया. और जब आप वॉलपेपर पेस्ट करते हो ना तो है पेशेंस, आराम आराम से करो, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करो. और प्रॉपर एक कपड़ा मैंने जो यहाँ पे अपना टॉप ले लिया था तो आराम से मैं उससे पेस्ट करती जा रही थी. तो बहुत प्यार से अगर आप वॉलपेपर पेस्ट करोगे ना टाइम लगेगा बट वो वॉलपेपर बहुत फिनिशिंग के साथ पेस्ट हुआ हुआ आपको मिलेगा. तो यहाँ पे जब मैं रिजल्ट्स देख रही थी लाइक जब मैं स्टार्ट ही कर रही थी ना तो मुझे लग गया था कि हाँ बहुत अच्छा ये लगने वाला है, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा. और यहाँ पे मैं जो सो फाइनली गाइज आई एम हियर विद दिस न्यू स्टिकर जो कि सेम टू सेम पैटर्न में है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आया है. ठीक है, तो अब मेरे पास बचता है ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन जो कि मुझे कवर अप करना है. और आज लगभग हो गए हैं वन मंथ अप्रॉक्स होने वाला, लाइक 15-20 डेज तो हो ही गए हैं जब मैंने ये काम छोड़ा था. और इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है, पहले ये उधर सेक्शन में था, अब ये इधर खिसका दिया गया है जो कि ये वार्डरोब है, ये यहाँ खिसका दिया गया है. तो अब मैं इसको ओपन करके लगाने वाली हूँ. लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टिकर जब भी आप ऑर्डर करो तो सेम टाइम पे ही ऑर्डर कर लो क्योंकि थोड़ा सा ना फिर उसका टेक्सचर डिफरेंट हो जाता है. आई विल शो यू दैट. ओके वेट. तो देखो मैंने ऐसे कट पीसेस काट लिए हैं जो भी मुझे ज़रूरत है इधर साइड लगाने की. और आप देखो ये देखो
इसके टेक्सचर में और इसके टेक्सचर में बहुत फ़र्क है, लाइक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर शायद मैंने वॉल के लिए मंगाया होता ना ये बाद में, तो ये बहुत अलग लगता, मतलब उससे अलग लगता है। ऐसा मेरे साथ हुआ भी है, मेरे बेडरूम में मैंने जब लगाया है, तो फिर अभी जो है मुझे बस एक कॉर्नर पर लगाना है, तो इतना समझ नहीं आएगा। तो आई एम ऑल हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज नीचे भी कम्प्लीट था, ऊपर भी कम्प्लीट था। सो लेट्स कम्प्लीट इट टुगेदर। तो काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से अपने काम में लग गई थी। वो बोलते हैं ना कि जो काम छूट जाता है वो फिर दोबारा होने में फिर टाइम लेता है, तो वही चीज़ है। एक्चुअली वहाँ पे स्टिकर ख़त्म हो गया था उस टाइम पे, तो फिर मैंने दोबारा स्टिकर ऑर्डर किया और स्टिकर तो आ गया था, लेकिन फिर मेरा इस पर ध्यान नहीं गया। तो मैंने फिर जो लेफ़्ट राइट सेक्शन मेरा बच गया था उसमें स्टिकर पेस्ट करना स्टार्ट किया। और जितनी जल्दी ये मतलब लाइक एडिटिंग के साथ दिख रहा है, इतनी जल्दी होता नहीं है। आपको आराम से करना पड़ता है, मेज़रमेंट लेना पड़ता है अच्छे से, मतलब लाइक पेस्ट करना पड़ता है। तो फिर वही चीज़ मैं कर रही थी, पेस्ट आराम से कर रही थी। मैंने कहा पेस्ट में टाइम दे दो और फिर आपको रिजल्ट्स अच्छा मिलेगा हमेशा के लिए, और आराम से ये चल जाएगा। 3-4 साल की तो गारंटी मैं ही ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो किनारे का पोर्शन जो मुझे नहीं चाहिए था, जो मतलब एक्स्ट्रा था, वो कट कर रही थी अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट। एंड देन उसके बाद मतलब लाइक जब ये पूरा लग गया ना, उसके बाद इतना अच्छा लग रहा था, लाइक अभी तक ऐसा लग रहा था कुछ तो मिसिंग है, लेकिन जब ये किनारे में मैंने पूरा सेटल आउट कर दिया, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। एंड ये रहा इसका फाइनल पार्ट कि कैसी अलमीरा पहले थी, कैसी अब लग रही है। एक्चुअली दिस वॉज लुकिंग वेरी नाइस। और ये जो है आप देख सकते हो पीछे की बैक थीम से भी मतलब मिल रहा है, इसलिए मैंने इसका डायरेक्शन भी चेंज करवा दिया था, तो पीछे की वॉल से भी इसका कलर मैच कर रहा है। एंड ब्राउन शेड ही है इस रूम का मेन थीम अगर बोलें तो। नीचे टाइल्स का भी थोड़ा ब्राउनिश है, और बोल सकते हैं बेड भी थोड़ा ब्राउनिश है। अप्रॉक्स 200 के अंदर ही इसका मुझे टोटल एक्सपेंस आया, क्योंकि जो ये स्टिकर था मैंने 120 या 130 में ऑर्डर किया था, एंड इस पर पेंट जो है वो 50 या 40 रुपीज़ का लगा, क्योंकि 120 में मैं पूरा डब्बा लाई थी और बहुत कम अमाउंट लगा, एंड 20 रुपीज़ का ब्रश। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना व्लॉग अभी एंड करूँगी, एंड आई एम एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, एंड वेरी हैप्पी विद हैप्पी ऑल्सो बिकॉज ही हेल्प मी इन शूटिंग दिस। एंड अब मैं खाऊंगी समथिंग that is rasmalai with this khushi. So rasmalai is being my favorite mithai. jab se main lucknow aayi hu to he bought me this. ye mere samne baithe hue hain. say want to say something. kaisa kaam kiya maine? ekdam mast. to ab hum log rasmalai khayenge, enjoy karenge, because maine bahut acha kaam kiya hai. ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मैंने इसको ना बहुत दिनों में कंप्लीट किया है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल नीचे दिए गए रेड बटन को जल्दी से प्रेस कर दो, और ऐसे ही अपने घर की ना छोटी मोटी चीजों को डेकोरेट करते रहो, बिकॉज दिवाली आ रही है एंड बहुत सारी चीजों को बदलना जरूरी नहीं है। बट अब तो इतनी सारी चीजें मिल रही है, और ऑनलाइन हम लोग कुछ भी चीज को पुरानी को नहीं कर सकते, पेंट कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, बहुत सारे आइडियाज हैं। तो ये तो एक छोटा सा, एक छोटू सा आइडिया था जो कि मार्केट में पहले से है, बट आई हैव ट्राइड इट एंड आई लव इट। सो बाय गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।